हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक आकलन 2022-23 माह नवंबर कक्षा सातवीं विषय गणित का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर डाउनलोड करें। ये 100% आपका असली पेपर है, यही आपके मासिक आकलन माह नवंबर का पेपर है। आपको पूरे प्रश्नों को हल कर लेना है। तो इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिलेगा, तो जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, चार विकल्प है, उसमें से एक विकल्प का चयन करना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है 5/11 बराबर आपका है a/(-33)। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 11 का a के साथ गुणा हो जाएगा और 5 गुणा आपका क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 11 का पक्षांतर कर लेंगे, 5 गुणा 33/ आपका 11 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको 11 कर लेते हैं, 11 एकम 11 तिया हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a का मान आ जाएगा, 5 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बात करते हैं आपका अगला दूसरा प्रश्न का। तो यहाँ पर 5y = 2y + 15 में y का मान ज्ञात करना है। 5y बराबर दिया गया 2y + 15, ये प्रश्न में आपको दिया गया है। क्या करना है आपको, 2y को पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ से 5y - 2y = आपका 15 हो जाएगा। 5 में 2 गया तो आपका 3y = आपका 15, तो y = आपका कितना हो जाएगा, 15/ आपका हो जाएगा 3। तो 3 से 15 को भाग देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर y का मान होगा 5। तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 5, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा। पहले में आपका आया था 15। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न देखते हैं, 2x = 4, यहाँ पर दिया गया 2x = 4, किस तरह से हल करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे दोनों पक्षों में, तो 2 से 2 कट गया। यहाँ से x का मान आ जाएगा 2 एकम 2 दूना, यानी कि x का मान यहाँ पर कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर रहेगा, तो यहाँ पर आपका आ गया 2। तो इस तरह से यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा, इस तरह से ऑप्शन ए। उसके बाद आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न दिया गया, 2 अंक वाले प्रश्न, इसका योग ज्ञात करना। 3x - 7xy - 6xy - 4y और x + 2, इसको हम लोग हल करेंगे। किस तरह से आपको हल करना है इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया 3x - 7xy, इसको योग करना है 6xy - 4y + x + 2। तो समान आपके चर वाले पद को पहले देख लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले हम लोग x वाला पद ढूंढ लेते हैं। तो 3x यहाँ पर है, 1x यहाँ पर है, तो ये हो गया आपका 4x हो गया। अब देखते हैं, 7xy दिया गया है और यहाँ पर +6xy, प्लस और माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है। 7 में 6 को निकालेंगे तो आपका 1 बचेगा, 1 को दर्शाने की ज़रूरत नहीं होता, तो यहाँ पर केवल हम लोग लिखेंगे xy। उसके बाद देख लेते हैं, तो y वाला पद यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक ही पद है y वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये xy है और उसके बाद आपका 4y और यहाँ पर आपका अचर पद केवल क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 को उतार लेंगे, यही इसका उत्तर रहेगा। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न, किस चतुर्थांश में होता है। तो चतुर्थांश का आपको पता होना चाहिए, 2 अक्ष बना लेते हैं। तो ये 2 अक्ष हो, ये x अक्ष हुआ, ये y अक्ष हुआ, 4 यहाँ पर अपने को क्वाड्रेंट मिला, चतुर्थांश मिला। पहले में दोनों धनात्मक होता है, दूसरा में पहला ऋणात्मक, दूसरा आपका धनात्मक होता है, तीसरे में दोनों ही ऋणात्मक होता है,
इसमें आपका पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक होता है, तो आप अब यहाँ से पहचान कर सकते हैं कि किस चतुर्थांश में होगा। दो और माइनस दो दिया गया, यानी कि पहला आपका दिया गया धनात्मक, दूसरा दिया गया ऋणात्मक, तो इसको देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला वाला होगा वो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। किस चतुर्थांश में होंगे? चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। दोनों पद अगर ऋणात्मक है तो यहाँ से हम देख सकते हैं पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा तृतीय चतुर्थांश आ जाएगा। इस तरह से इसका उत्तर रहेगा। उसके बाद आपको दिया गया दशमलव के रूप में इसको आपको बदलना है। यहाँ पर तीन को पाँच से भाग देना है और तीन को आठ से भाग देना है। दशमलव रूप में इसका मान को ज्ञात करना है, तो किस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे? तो पाँच को आपको करना है तीन से भाग देना है, भाग तो जाएगा नहीं यहाँ पर, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर दशमलव लेना पड़ेगा। दशमलव लेके यहाँ पर ज़ीरो लेंगे और यहाँ पर छः बार में ये फिर कट जाएगा, यानी कि इसका उत्तर आपका आ जाएगा 0.6। अब वैसे ही आठ को अब तीन से विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव में कितना आएगा। तो आठ का फिर दशमलव लेंगे यहाँ पर, पहले जीरो, आठ ये आपका 24 हो गया, छः बच गया, दशमलव लिए तो शून्य और ले सकते हैं। आठ का पहाड़ा 60 से छोटा, 8 7 56 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका चार बचा और यहाँ पर आपको जीरो ले लेना है पाँच, तो 0.375 इसका उत्तर आया। इस दशमलव को आपको हल करना है। ये 100% आपका असली पेपर है, तो पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है, यही पेपर में आपके पूछे जाएंगे। एक कोण अपने पूरक कोण का दोगुना है, दोनों कोण का माप यहाँ पर आपको निकालना है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरी प्रश्न दिया है, परिमेय संख्या में इसको परिवर्तित करना है। 0.234 दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं किस तरह से इसको हल करेंगे और क्या उत्तर आएगा। तो यहाँ से आप उत्तर पूरा देख सकते हैं, 3x-7xy-, यहाँ पर 6xy-4y-(x)(2), यानी कि इस तरह से हम ब्रैकेट बना लेंगे ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। 3x-7xy-6xy-4y-(x)(2), तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई वाला पद यहाँ पर देख रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पर आपका बचेगा -xy, 6 में से 7 को निकालेंगे तो माइनस आपका बचेगा, फिर 4x हो गया, 3x और 1x मिलाकर आपका 4x हुआ, -4y-2, तो इस तरह से आपको हल करना है। तो इसको पहले भी आपको समझाया था। उसके बाद बात करते दशमलव का निरूपण, आपको पहले बताया था ऊपर की ओर टॉप की ओर। उसके बाद सातवां प्रश्न देख लेते हैं, आपको दशमलव को हल करना था, तो 7.8.02 दिया गया है। उसके बाद 1.4 2.8-0.0010 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जहाँ से हमको सरल पड़ेगा वहाँ से इसको हम लोग हल करते जाएंगे। तो पहले हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद यहाँ पर पहले दो पदों को हम लोगों ने जोड़ दिया और अंतिम के दो पदों को फिर से जोड़ दिया और यहाँ पर जो उत्तर आया वहाँ उसको घटा दिए, तो इस तरह से उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ से इसका रफ वर्क आप देख सकते हैं, रफ कार्य। तो इस तरह से आपका सातवें प्रश्न का उत्तर रहा। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न, एक कोण अपने पूरक कोण का क्या है? दोगुना है। कोण का माप यहाँ पर बताना है। माना कि एक कोण का जो मान है वो x है, दूसरा कोण पहले कोण का क्या है? दोगुना, यानी कि 2x, कोण 1 + कोण 2, पूरक कोण होता है आपका 90° का, x + 2x = 90°, 3x = 90°, x = 90/3, यानी कि 3 × 30 बार में ये कट जाएगा। पहला कोण आपका 30°, दूसरा कोण आपका हो जाएगा 60° का रहेगा। तो ये आठवें प्रश्न का उत्तर रहा इस तरह से। उसके बाद ये बार के रूप में परि यानी कि आवर्ती दशमलव संख्या दिया गया था, इसको परिमेय संख्या में बदलना है। तो मान लेते हैं कि x = 0.2342 ये क्या है? आवर्ती दशमलव संख्या। इसको क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर लेंगे, यानी कि शून्य के बाद यहाँ पर तीन संख्या दिया गया, तो 3 बार आप 0 लेकर इसको दोनों पक्षों में क्या करेंगे,
गुणा कर देंगे तो 1000x बराबर आपका जो दशमलव लगा हुआ है यहाँ पर आगे की ओर लगा है वो पीछे की ओर आ जाएगा, और इस तरह से 2.34 दशमलव 2.34 2.34 ये चलता ही रहेगा। समीकरण दो में से आप एक को घटा देंगे तो इस तरह से इसका मान मिलेगा 999x बराबर आपका 234 मिल गया, तो x बराबर 234/999 और इसको हम लोग कटा लेंगे तब इसका मान इतना आपको मिल जाएगा। ये 9वें प्रश्न का उत्तर रहा। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न, तो इस तरह से सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो पर आपको बताया गया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल घंटे आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।